हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज एक नए वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे एक खास और स्वादिष्ट रेसिपी, कच्चे चावल के पकोड़े। ये रेसिपी एक परफेक्ट स्नैक है जिसे आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं बनाना। मैंने एक बाउल में 1 कप चावल लिया है जिसे 2 से 3 बार अच्छे से धोकर उसे 1 घंटे के लिए भिगो दिया था ताकि चावल अच्छे से फूल जाए। चावल के पकोड़े सुबह या शाम के नाश्ते में बनाया जा सकता है। ये स्नैक बच्चे और बड़े बहुत शौक से खाते हैं। मैंने चावल का सारा पानी निकाल दिया है। देखिए चावल अच्छे से फूल गए हैं और कितने आसानी से टूट रहे हैं। आप चावल के पकोड़े बनाने के लिए कोई भी चावल ले सकते हैं। अब मिक्सी जार में थोड़े से चावल लेकर मैं यहाँ 4 से 5 चम्मच चावल ले रही हूँ। थोड़ा थोड़ा चावल लेकर पीसने से चावल जल्दी और आसानी से पीस जाते हैं। पकोड़े बनाने के लिए हमें बैटर थोड़ा गाढ़ा चाहिए, इसलिए मैं यहाँ 2 चम्मच पानी डालकर चावल पीस रही हूँ। ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। देखिए बैटर कितना गाढ़ा है, हमें इतना ही गाढ़ा बैटर चाहिए। बैटर को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और बाकी बचा चावल भी पीस लेते हैं। देखिए बैटर कितना गाढ़ा और कितने अच्छे से पिसा हुआ है। मैंने यहाँ 3 उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को काटकर मिक्सी में पीस लेना है। पिसे हुए आलू को चावल के बैटर में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक चावल का आटा और आलू आपस में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते। लीजिए बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें कटा प्याज 1, किसा हुआ अदरक 1 इंच, बारीक कटी हरी मिर्च 3, करी पत्ता, मैंने यहाँ करी पत्ता बारीक काट लिया है 5 से 6, कटा हरा धनिया, जीरा 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच नमक डालकर सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखने से ही पता चल रहा है बैटर कितना स्मूथ बना है। इसे ढककर रख देते हैं और एक चटनी बनाते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ 1/2 कटोरी नारियल पाउडर लिया है, 2 चम्मच दलिया, 1/2 इंच अदरक, 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, 1/4 चम्मच नमक, थोड़ा सा पानी डालकर एक स्मूथ बैटर बना लेते हैं। इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर देते हैं। चटनी अभी गाढ़ी है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। चटनी के लिए एक तड़का तैयार करते हैं। तड़का पैन में 2 चम्मच तेल गर्म करके उसमें 1/2 चम्मच सरसों, थोड़ा कड़ी पत्ता, लाल मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा डालकर चटनी में डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं।
हमारे नारियल की चटनी तैयार हो गई है। एक कढ़ाई में तेल गरम करने रख दिया है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। हाथ में थोड़ा सा बैटर लेकर मैं छोटी छोटी पकौड़ी बनाकर तेल में डालते जाएंगे और पकौड़ी को अलट पलट करते रहेंगे जब तक अच्छे से ब्राउन ना हो जाए। पकौड़ी अच्छे से पक गई है, इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। ऐसे ही सारी पकौड़ी तल लेंगे। देखिए पकौड़ी कितनी क्रिस्पी बनी है। देखिए ऊपर से बिल्कुल क्रिस्प लग रही है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।